नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई का भी भैया अपडेट करेंगे वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ साथियों भाई, हमने तो 17 मार्च के बाद में पहली बार मेरे पास किसी बंदे का वीज़ा आया है जो जानकार ये समझ सकते हैं। जी हाँ, पहली बार मैंने तो भैया 5-6 महीने में वीज़ा देखा है, विजिट वीज़ा है, वो भी कोई वर्क परमिट वीज़ा नहीं आया, विजिट वीज़ा। हालांकि लोग जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास जो पहली बार विजिट वीज़ा आया है, क्योंकि अभी काम दुबई का स्टार्ट हो चुका है, रफ्तार पकड़ रहा है, ये मान लीजिए सितंबर से तो बढ़िया तरीके से रफ्तार पकड़ लेगा, और वर्क परमिट वीज़ा इतना आसानी से नहीं निकलेंगे, तो लोग विजिट वीज़ा में ही दुबई जाएंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो भाई इस पे डिटेल से हम बात करेंगे, कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, कुछ अच्छे बातें भी बताऊंगा, कुछ नेगेटिव बातें भी करेंगे, ताकि आप अगर दुबई विजिट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई चीटिंग नहीं हो जाए आपके साथ में। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। भाई आप देखिए, बहुत सारी दुनिया दुबई जाएगी, क्योंकि लगभग 4.25 लाख के करीब इंडियन लोग दुबई छोड़ के वापस आए, तो ये मान के चलिए हाई स्किल जॉब नहीं तो नॉर्मली जॉब तो मिल ही जाएंगी। दुबई तो एक हब है जॉब से रिलेटेड, और एजेंट भी धीरे धीरे अब उठने स्टार्ट हो जाएंगे, और ख़ास तौर से मैं बात करूंगा जो दुबई में बैठे हैं। बात ये है, दुबई में भी एजेंट बैठे हैं भैया, जो इंडिया का सेम माहौल दुबई में भी है, ये मान के चलिए। क्योंकि इंडिया में तो आप लोकल होते हो, किसी एजेंट को पैसे दे दिए तो फिर वो एडजस्टमेंट चलो हो जाता है, दूर दराज का नहीं होता बंदा, लेकिन दुबई में बैठे हैं तो वहाँ पर भी लोग ठग बैठे हैं, चोर बैठे हैं, ये मान के समझ सकते हैं आप कि लोग बैठ जाते हैं, ऑफिस से लेके बैठ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का दावा करते हैं कि हमारे पास ये है वो है, छोटा सा कुछ भी रजिस्ट्रेशन लेके रिक्रूटमेंट एजेंसी का लेके बैठ जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का ऑप्शन अलग होता है, लाइसेंस अलग होता है, वो सब हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब मोटिव यही है, अगर आप डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू वहाँ पे जा रहे हो और आपको बुला रहा है, तो भाई सोच के समझ के जाएं, पूरी कंडीशन यहाँ पे पूरी एकदम परफेक्ट करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी एजेंट आजकल चोर हो चुके हैं। उनका टारगेट होता है पैसा ले लो, चाहे अगले को वीज़ा दो या मत दो, पैसा खा लो, बस पैसा नहीं देना। फिर वो फ़ोन उठाना बंद करते हैं, कर देते हैं, वो बात करना बंद कर देते हैं, उनसे वापस कोई पैसा मांगे ना तो वो पैसा नहीं देते हैं, फिर फ़ोन तक बात नहीं करते। उनको पता लगता है कि ठीक है हमने कमा लिए पैसे, अब इसको छोड़ते हैं, दूसरे मुर्गे को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कितने दिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सोचने की बात है ना। कभी न कभी मेरे जैसे सिरप्रेज के धक्के लग जाओगे तो फिर और भी लोग जेल में बैठे हैं, आप भी बैठ जाओगे। लेकिन कहने का मतलब ये, थोड़ा सा बच लें इन चीज़ों से, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि एजेंट वहाँ के, ये मत मानिए कि एजेंट में साहूकार बैठे हैं, क्योंकि है तो अपना ही ना, इंडिया में बैठे हैं वो, वहाँ जाके बैठ गए, यहाँ उनकी चोरी नहीं चली तो वहाँ चोरी करने लग जाते हैं। काफ़ी शिकायतें आती हैं मेरे पास कि एजेंट ने हमारे इतने पैसे ले लिए, हमारे जॉब नहीं लगवाया, हमारे पास इस जॉब के पैसे लिए थे दूसरे जॉब में डाल दिया, फिर वो पैसे मांगते हैं तो हेगड़ी करते हैं, उनको लगता है कि हम तो इंटरनेशनल स्तर पर बैठे हैं, लोग एक दूसरे से चलो आगे हम और भी खुलासे करते रहेंगे, अभी तो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि भाई आपका वीज़ा अभी आने स्टार्ट हो गए, जाएं तो अपने तरीके से सोच समझ के जाएं, ताकि आपको एजेंट वहाँ पे ठग न ले, आपके पैसे ख़राब न हो जाएं, ठीक है ना। बाकी और हम सबूत के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बात आगे भी करेंगे, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।